हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोनकपुर स्टेडियम में स्वर्गीय कमला दुबे मेमोरियल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विधायक रितेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर किया। साथ ही नगर विधायक रितेश गुप्ता ने छात्राओं की गेंदों पर शॉट मारकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। टूर्नामेंट के प्रथम मैच में स्वाइनफोर्ड और सेंट मीरा के बीच मैच खेला गया, जिसमें सेंट मैरी ने 2.3 ओवर में विकेट न गिराकर मैच को जीत लिया। साथ ही सभी स्कूलों के प्रथम राउंड के 8-8 मैच होने के बाद दूसरे राउंड में 4-4 मैच खेले गए। शेष मैच रविवार सुबह 8 बजे खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के पश्चात गांधीनगर पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष आरके सिंगल ने सभी छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। वह मैनेजर रवि सिंगल ने अपने संबोधन में कहा कि छात्राओं को क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है और इस तरीके के प्रयास आगे भी किए जाएंगे और उनको शुभकामनाएं दी। अंत में गांधीनगर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। बेटियों के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे जिले की जो विद्यालय हैं उनकी बेटियों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा लगता है जब बेटियां अलग अलग स्थानों पे अपना शौर्य दिखाने के लिए उतरती हैं। बहुत अच्छा माहौल यहाँ का है। मैं समस्त बेटियों को, समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यस मैम, ये कौन सा टूर्नामेंट है और किसकी याद में आई? आज हमारा 7th कमला दुबे मेमोरियल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे यहाँ हो रहा है, जिसमें हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट की और साथ में मुरादाबाद की टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें हमारी 26 टीमें हैं और सभी बच्चियाँ बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी बच्चियों को क्रिकेट के लिए, खेल के लिए उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये टूर्नामेंट मैं अपनी